दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप में किसी का भी वीडियो स्टेटस या फोटो स्टेटस डाउनलोड कैसे करते हैं सीधा मोबाइल के गैलरी में। आपको कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है। मैं आपको दो आसान तरीका बताऊंगा, आप व्हाट्सएप में किसी का भी स्टेटस डाउनलोड कर सकते हैं सीधा मोबाइल के गैलरी में कर सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद नीचे ऑप्शन है अपडेट, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए जैसे ये फोटो स्टेटस है और ये स्टेटस आपको पूरा देखना है। फोटो स्टेटस देखने के बाद यहाँ पर लिखिए ये वीडियो स्टेटस है और जिसका आप डाउनलोड करना चाहते हो आपको पूरा स्टेटस देखना है। जैसे यहाँ पर ये स्टेटस देख सकती हो, ये वीडियो स्टेटस है पूरा आपको देखना होगा। यहाँ से आपको बैक नहीं करना है। एक बार पूरा स्टेटस देखने के बाद व्हाट्सएप क्लोज करना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे ज़रूर से वीडियो पर लाइक करना शेयर करना ठीक है। फिर आपको यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉअर ओपन करना है ठीक है। जितने भी ऐप्स आपके फ़ोन में इंस्टॉल हैं सारे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से फाइल मैनेजर ये ओपन कर लेना है। आपके फ़ोन में हो सकता है दूसरा फाइल मैनेजर हो, माय फाइल्स ये ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद ऊपर देखिए थ्री डॉट है, यहाँ पर थ्री लाइन होगा ऊपर या पर नीचे हो सकता है। सो यहाँ पर यह थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है। फिर सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे देखिए ऑप्शन है प्राइवेसी और इसके ऊपर देखिए ऑप्शन है डिस्प्ले हिडन फाइल्स, ये सेटिंग ऑफ होगा, ये सेटिंग ऑन करना है। जैसे यहाँ पर पहले से ऑन है डिस्प्ले हिडन फाइल्स, ये सेटिंग ऑन कर लीजिए। इसे ऑन करने के बाद यहाँ से बैक करना है। अभी यहाँ पर देखिए ऑप्शन है डिवाइस स्टोरेज, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर व्हाट्सएप फोल्डर ढूंढ लेना है। यहाँ पर ऊपर एक सर्च ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके व्हाट्सएप लिख कर सर्च कर सकती हो। और एक तरीका बता देता हूँ, यहाँ से एंड्रॉयड ये फोल्डर देखने को मिलेगा। यहाँ पर एंड्रॉयड फोल्डर ओपन कर लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए ऑप्शन है मीडिया, मीडिया सेलेक्ट करना है। मीडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकती हो कॉम डॉट व्हाट्सएप ये फोल्डर देखने को मिलेगा। ये फोल्डर ओपन कर लीजिए। फोल्डर ओपन करने के बाद देखिए व्हाट्सएप ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकती हो सारे फोल्डर आपको देखने को मिलेंगे। नीचे ऑप्शन है मीडिया, मीडिया फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए। और ये देखिए डॉट स्टेटस, ये हिडन फोल्डर आपको देखने को मिलेगा डॉट स्टेटस, ये फोल्डर ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद जैसे यहाँ पर देख सकती हो ये फोटो मैंने देखा था, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए देख सकते हो ये फोटो और ये वीडियो स्टेटस भी देखिए, दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर ये वीडियो स्टेटस देखना ठीक है, ये वीडियो स्टेटस आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये ओपन करके देखिए यहाँ पर ठीक है, ये वीडियो स्टेटस है लेकिन ये आपकी गैलरी में दिखाई नहीं देगा। इससे पहले आपको मूव करना होगा। तो यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए ऑप्शन है मूव, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो फोल्डर यहाँ पर हिडन नहीं होगा उस फोल्डर में आपको इससे मूव करना है। किसी भी फोल्डर में मूव कर सकते हो जो फोल्डर यहाँ पर हिडन ना हो ठीक है। यहाँ से मैं कर लेता हूँ इससे DCIM में ठीक है, या फिर किसी भी फोल्डर में कर सकते हो ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से मूव टू हियर, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर करोगे देखिए मूव टू सक्सेसफुली। फिर आपको यहाँ से बैक करना है। मैं आपको गैलरी में लेकर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये देखिए फोटो स्टेटस और ये देखिए वीडियो स्टेटस। तो इस तरीके से व्हाट्सएप से आप किसी के भी वीडियो स्टेटस और फोटो स्टेटस को देख सकती हो, डाउनलोड कर सकती हो सीधे फ़ोन के गैलरी में बिना कोई ऐप डाउनलोड किए। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।